रहती थी। हाँ उनने कहा महाराज हम यहाँ से एक बछड़ा ले जाएंगे हाँ अपने गाड़ी में चलाने के लिए। उनने कहा बेटा कल सुबह आ जाना, कल सुबह ले जाना। सुबह आ गए दरबार, उनने कहा महाराज बच्चा लेने आए हैं हम, तो हर गाय के नीचे दो दो शेर। उनने कहा और महाराज जी आपको अपने गौशाला के दर्शन कराएंगे, और महाराज जी ने कम से कम 100-150 गायें पाल रखी है, और कितनी गायें होगी महाराज जी, कितनी गायें होगी? 50-60। अच्छा 50-60, 50-60 गाय, 50-60 गाय। चल मैं गौशाला दिखाता हूँ आप। तो देखिए दोस्तों, निस्वार्थ सेवा भी एक भगवान की सेवा होती है, और अब आपको गौशाला के दर्शन कराएंगे। महाराज जी ने 150 गायें पाल रखी है, कितनी दूर पड़ेगा महाराज जी? पास में। अच्छा ये पास। हो जन्म जन्म की खोज बताए राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हम और न जाने राम से रूठे राम से माने के दोस्तों, महाराज जी ने पक्की हुई गौशाला तैयार करवाई है, और यहाँ पर अभी गायें कम हैं, और बाकी की गायें चरने के लिए गई है। देखिए महाराज जी का प्रेम, जानवरों के प्रति भी इतना प्रेम है। महाराज जी कितने साल हो गए इस गायों को पालते हुए? ये मतलब जब से ये नाला मत बसाए भाई, जब से पाल 300 वर्ष ये गायों का ही तो है। अच्छा। ये गायों का ही है बेटा, ये गायों ने ये स्थान को जीता है। अच्छा। ये दरबार आए थे कोटा के। अच्छा। उनने गाय बछड़ा यहाँ थे, बहुत अच्छे बछड़े रहते थे। उनने कहा महाराज हम यहाँ से एक बछड़ा ले जाएंगे अपने गाड़ी में चलाने के लिए। उनने कहा बेटा कल सुबह आ जाना, कल सुबह ले जाना। सुबह आ गए दरबार, उनने कहा महाराज बछड़ा लेने आए हैं हम, तो हर गाय के नीचे दो दो शेर। उनने कहा बेटा पकड़ लो, तुमको अच्छा लगा जो सब पकड़ लो। अच्छा गाय के नीचे? गाय के नीचे दूध पीते हुए। हाँ। तो इसलिए ये गायों का मंदिर कहलाता है, या गाय ही जीत है। अच्छा। हाँ, ये हमारी गौ माता की जीत है यहाँ। जैसे गाँव में इंसानों ने गायों का दूध निकाल निकाल के गायों को छोड़ रहे हैं, वो हम नहीं रखा। नहीं, जो छोड़ रहे हैं उनके बारे में क्या? उनके लिए ये इसके अंदर 33 करोड़ देवता वास करती है गाय के अंदर। गाय के जन्म लेते ही किसका दूध देखा जाता है? गाय का। अच्छा। और मरते टाइम में ही गाय ही कल्याण करती है, भवसागर से गौ माता ही पार करती है, और कोई है ही नहीं अपने को। जब बैतरणी नदी के पास पहुँचते ही जीव भटकता है, और भटक कर जब देखता है इधर उधर हमें इस बेहतरीन नदी से पार करेगा कौन, तो गौ माता आ जाती है कि बेटा मैं करूँगी तुझे पार। जन्म लिया था जब भी मैंने तुमको पार किया, बड़ा किया, उसके बाद मरने के बाद भी तुम्हारे जीव को पार करूँगी। इसलिए ये अपनी श्रेष्ठ गौ माता है। इसको तो केवल यही है कि आज छोड़ रहे हैं, बहुत अधर्म हो रहा है, और ये पृथ्वी लोक रहेगी नहीं। अच्छा। जब रावण का अत्याचार हुआ था, जब गौ माता पहुंची के बेटा भगवान के पास कि देखो ये गौ बहुत अत्याचार हो रहा है, अब मैं तो इस पृथ्वी लोग को छोड़ती हूँ। उन्हें कि ना, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे,
और जब रावण से भी मुक्त कराया था वो आज भी करवा रही है, गौ माता ही करा रही है, और करा कौन रहा है? ये मतलब कोई महान चीज, महान से महान चीज है ये तो गौ माता। हाँ जब छोटा बालक होता है उसके कई दांत आते हैं क्या बताइए आप? दांत तो नहीं आते ना, जब दो बूंद से तृप्त हो जाता है, बताओ। बिल्कुल सही। एक पृथ्वी माँ होती है, दूसरी पहली ये माँ होती है, तीसरी माँ जन्म देने वाली है, जन्म देने। पहली माँ तो पृथ्वी माँ है, और दूसरी माँ जब दूध पिलाती है तो ये बड़ी माँ ही है, क्यों? पहला दूध तो इसका आता है और तीसरा दूध माँ का आता है अपने, तो सबसे श्रेष्ठ यही बड़ी माँ यही है। अच्छा हाँ ठीक है महाराज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। Yeah.